डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स लेंगे और आने वाले 24 घंटे में हम लोग इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जिस पे कई सारे क्वेश्चंस अराइज हुए, ये क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था कि क्या फोटोसिंथेसिस केवल दिन में ही हो सकता है या फिर रात में भी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, केवल दिन में हो सकता है, क्योंकि इसके नाम में ही है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश का जुड़ना, फोटो का मतलब प्रकाश। लेकिन आप जान लें कि फोटोसिंथेसिस की दो अवस्थाएं हैं, दो स्टेजेस हैं। क्या पेड़ पौधे रात में खाना नहीं बनाते? क्या उनकी वृद्धि रात में नहीं होती? आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे रात में भी बढ़ते हैं। देखा क्या होगा, रात में भी बढ़ते हैं। कारण यह है कि दिन की अभिक्रिया जब हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन कहते हैं, तो इससे कुछ अंतिम उत्पाद ऊर्जा के फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसे ATP या NADPH2 के रूप में हम लोग जानते हैं। ये ऊर्जा के उत्पाद हैं। और रात वाले रिएक्शन में, जिसे डार्क रिएक्शन या ब्लैक मैन रिएक्शन कहते हैं, इस रात वाले रिएक्शन में ऊर्जा के इन्हीं तत्वों का, यानी ATP NADPH2 जैसे बाय प्रोडक्ट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करता है ग्लूकोज के निर्माण में। इस बात को आप समझ लें, रात वाली अभिक्रिया भी होती है, लेकिन यह तब होगी जब दिन वाली अभिक्रिया हो चुकी होगी। क्योंकि दिन वाली अभिक्रिया यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो संश्लेषण होगा, उससे ऊर्जा के कुछ बाय प्रोडक्ट्स उत्पाद बनते हैं, जिनका प्रयोग रात वाली अभिक्रिया में होता है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया या ब्लैक मैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के रूप में। यानी पेड़ पौधे रात में भी सिंथेसिस का कार्य करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, लेकिन तब जब दिन वाली अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है। तो यह आप जान लें कि फोटोसिंथेसिस की दो अवस्थाएं हैं, एक प्रकाश रासायनिक और दूसरा जैव रासायनिक। रात वाला जैव रासायनिक है जो दिन के कार्यों का प्रयोग करता है, यानी ऊर्जा का प्रयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज के रूप में उत्पादन करता है, यानी अपना खाना बनाता है। तो ये बातें हैं। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। ये टॉपिक है हिस्ट्री के टॉपिक्स। आज हम लोग मेडाइवल का एक टॉपिक लेंगे। हम लोगों ने मेडाइवल को इग्नोर किया है, अक्सर हम लोग करते हैं। पिछले दो बार से BPSC में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले, इसलिए स्टूडेंट्स इस क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा केयरलेस हैं। हम कहेंगे कि हमारी ओर से आप इस सेक्टर को, मेडाइवल हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लें। पता नहीं हमारा मन कर रहा है, कह रहा है कि इस बार मेडाइवल से क्वेश्चंस की संख्या कुछ बढ़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका रिवीजन कंप्लीट रहना चाहिए। तो हम लोग मेडाइवल इंडिया फिर से करेंगे, कुछ रिवाइज कर लेंगे, 4-5-6 टॉपिक्स में ये कंप्लीट होगा। आज हम लोग करेंगे मेडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत, अगेन जो हम लोग कर चुके हैं, इसमें गुलाम वंश करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लाहौर को राजधानी बनाया, संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसने चालीसा का गठन किया, दिल्ली को राजधानी बनाया, इसने कुछ नए सिक्के चलाए, जीतल और टंका, तो ये सब शब्द हैं, इसे आप समझें। उसके बाद बलबन कर लेंगे, बलबन ने एक नए कुछ नई प्रथाएं चलाईं, चूँकि ये गुलाम था, इसने सिजदा और पाबोस चलाया, इसने खुद को दिल्ले इलाही कहा, यानी ईश्वर की छाया, पहला शासक जिसने राजत्व के दैवीय अधिकार की बात की, यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन किंशिप, यानी ईश्वर का दिल इलाही कहा, यानी ईश्वर की छाया खुद को साबित करने का प्रयास किया। दूसरा, इसने अपने आप को अफरासियाब वंश से, फारस का बहुत बड़ा वंश था, अफरासियाब उससे जोड़ा। तो ये सब बातें हैं। नवरोज नाम का त्यौहार, जो पारसी त्यौहार था, इसने मनाना शुरू किया। ये सब बातें हैं, आप करें। मेडाइवल में गुलाम वंश, तीन इसमें शासक आएंगे, इसे आप करें। दूसरी ओर हम लोग मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इससे तो बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। आज हम लोग करेंगे 1930 से लेकर 1940 तक, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का फेस करेंगे, नमक आंदोलन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, गांधी अरविंद समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, उसके बाद मैटुनार्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सांप्रदायिक घोषणा क्या है, ये कर लेंगे। उसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, इन लोगों ने बिहार में ही गठित किया, कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस में रहकर, बल्कि थोड़ा सा लेफ्टिस्ट होकर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ये तो 63 में आ चुका है,
ये कब गठित हुई, तो ये आप करें, फिर से करेंगे हम लोग। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, साथ ही 1937 का बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव आएगा जब राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने या गठबंधन की सरकारें बनी, तो ये इंपॉर्टेंट है 1937 का चुनाव। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा 1938 और 39 का कांग्रेस अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में और कुछ विवाद भी उभर कर आए। तो 1938 और 39 का कांग्रेस अधिवेशन आप करेंगे, दूसरी बार वाले में सुभाष चंद्र बोस विजय हुए लेकिन त्यागपत्र दे दिया, क्या कारण थे, तो ये कर लें और उसके बाद 1940 छोड़ दें, फिर 1940 हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ तक आप कर लें, 1939 तक इतना आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। साइंस में आइए, लेकिन उससे पहले पॉलिटी, कल हम लोगों ने लिया था लोकसभा, आज राज्यसभा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा यानी गठन कब हुआ, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, सदस्यों की क्या महत्ता है, क्या एज है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने साल का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, ये सब बातें हैं। कहाँ पर राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, ये सब बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करें नए सरकारी जो पद होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, राज्यसभा का बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। तो ये सब आप कर रहे हैं, ये हो गया पॉलिटी में। ऑब्जेक्टिव बनाए आप, पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें, ऑब्जेक्टिव बनाए, सिर्फ बुक से बना लें और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। साइंस में आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, अगेन इंपॉर्टेंट। एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ पे ये रहता है, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, चार्ज इसका क्या है, इसका मास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं एटम से तो क्या हो जाता है, ये आप करेंगे। उसके बाद आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, एग्जाम्पल के साथ ये तीनों आप करेंगे, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, ये एग्जाम्पल के साथ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका एग्जाम्पल हो सकता है पूछ दे और रिलेट कर करके क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप करें। साथ में ये भी करेंगे कि डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया, उसके बाद बोरबरी योजना क्या थी, रदरफोर्ड ने क्या स्पेक्ट्रम, अल्फा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सब कर लें। बायोलॉजी में एक टॉपिक हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ या पोषण, बायोलॉजी में ठीक बीच में, ये बीच में मिलेगा ये टॉपिक, इस बायोलॉजी में ये मध्य जो बीच का फेज है वहाँ पर आप जाएंगे, न्यूट्रिशन टॉपिक मिलेगा। इसमें क्या है, पांच प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये आप पाँचों कर लें। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ग्लूकोज क्या है इसे आप समझ के करें, ये आप कर लें, बायोलॉजी से समाप्त होगा। करेंट में आप एक चीज कर लें, 50 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स के बनाने हैं, लेकिन अब करंट आप करेंगे अक्टूबर मंथ के मैगजीन से। अगर आपके पास मैगजीन है, आप रेगुलर लेते हैं मैगजीन है, तो अक्टूबर महीने के मैगजीन को आप सैनिटाइज कर लें, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल लें, और जो नेट पे जाएंगे वो अगस्त महीने का कंटेंट सर्च करेंगे, अगस्त मंथ का, अगस्त 2018 आप सर्च करें आ जाएगा, क्योंकि हर मैगजीन में, मैगजीन में जो कंटेंट होता है दो महीने पीछे का होता है, क्योंकि मैगजीन में मंथ दो महीने आगे का लिखा हुआ होता है। जब आप नवंबर का मैगजीन लेंगे तो दिसंबर या जनवरी का उसमें मंथ लिखा हुआ होगा, कंटेंट होगा दिसंबर का, लिखा होगा जनवरी 2019। तो ये बातें हैं, आप नेट पे जाएंगे तो दो महीना पीछे का सर्च करेंगे, मैगजीन में जाएंगे तो दो महीना आगे, अक्टूबर मंथ मैगजीन में और अगस्त मंथ आप नेट पर सर्च करें। 50 क्वेश्चंस करंट और 50 क्वेश्चंस बिहार के आपको बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव ये आप कर लें। और एक आज हम टॉपिक ऐड कर रहे हैं, ये टॉपिक है पर्सनालिटीज़ पे। हमने बहुत प्रयास किया, कई बार हमारी इच्छाएं थी कि पर्सनैलिटीज़ पर पूरा करते, ये टाइम निकलता चला गया, नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी बचे हुए समय में हम लोग कर लेंगे अपने स्तर पर। आज हम आपको श्री कृष्ण सिंह एक टॉपिक दे रहे हैं, नेट पे सर्च करना है, बुक्स में नहीं है ये सब, बहुत अच्छे से अच्छे बुक्स बिहार पे स्पेशलाइज्ड पर्सनालिटीज़ पे नहीं है, बहुत गिने चुने हैं और उसमें भी आधा अधूरा नहीं है, इससे नेट पे सर्च करना होगा। श्री कृष्ण सिंह आप सर्च करें, जन्मस्थान, इनका पॉलिटिकल करियर, स्टूडेंट लाइफ, कौन सी पार्टी बनाई, कौन से आंदोलन में भाग लिया, क्या इन्होंने कुछ नई घटनाएँ की, इनकी उपाधियाँ क्या थी,
इनके टाइटल्स किस नाम से ये जाने गए, ये इतना आप श्री कृष्ण सिंह पे आप कर लें, जन्म स्थान से लेकर इनकी उपाधियों तक। और क्या कुछ पॉलिटिकल करियर इनका किस तरह से, क्या मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, क्या घटनाक्रम हुआ। तो एक पर्सनैलिटी हम लोग आज कर लेंगे, आप इसे ज़रूर करें, ये बहुत काम करेगा। श्री कृष्ण सिंह, यहीं तक रखते हैं आज का ये टॉपिक्स और कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आते हैं। तब तक आपसे इजाज़त लेंगे, रिवाइज करते रहें, जो आप भूलते हैं वो रिवीजन की कमी के कारण होता है, तो जितना हो सके आप रिवीजन को करते रहें तो याद रहेगा। टेक केयर।